हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं अपने लवली ऑफिशियल चैनल पे। तो मैं आज आपको ये दिखाने वाली हूँ कि मैं जा रही हूँ बनाने मोमोज। देखिए मैं कट कर रही हूँ पत्ता गोभी। आप लोगों को भी बनाना होगा तो आप लोग भी बनाइए और एकदम अच्छे से खाइए। तो आज हमारा डिनर जो है वो मोमोज से होगा, तो हम लोग मोमोज से डिनर करेंगे क्योंकि मोमोज बनाने जा रही हूँ। देखो पत्ता गोभी कट रहा है क्योंकि ये हरी सब्जी के साथ में टेस्टी भी बनेगा मोमोज। तो हरी सब्जी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इस वजह से मोमोज हमने बनाने का डिसाइड किया कि मोमोज बनाए हरी सब्जी के साथ में टेस्टी मोमोज चाइनीज। और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। इस समय सब्जी सस्ती भी हुई है हरी सब्जी तो ढेर सारी सब्जी खाओ, आप लोग भी खाओ। दोस्तों आप बताइएगा कि आप लोगों को मोमोज पसंद है, तो जिसको पसंद है वीडियो भी देखिएगा और घर पे बना के खाने में बहुत ही अच्छा लगता है घर, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो मैं मोमोज बना रही और आप स्टैंड भी लेके आई है बनाने के लिए मोमोज। अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं, किचन में चलते हैं और हम यहाँ पे सब्जी कट कर लेते हैं। ओके बने रहिएगा ऐसे ही मेरे ब्लॉग में। बोलते हैं ना, हाँ स्ट्रीम। अभी दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो चलते हैं रूम में और दिखाते हैं आपको। अब इसको कट कर लें, उसके बाद किचन में ले चलेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे बना रहे हैं एकदम अच्छे से टेस्टी टेस्टी। चटनी नहीं बनाएंगे क्योंकि चटनी बाहर से ले आए हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, चटनी बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर से ही ले लिया जाए। तो इस वजह से चटनी नहीं बनेगा, सिर्फ मोमोज बनाएंगे और उसी चटनी से खाएंगे। और दोस्तों आप लोग भी खाइए, ये तो मीठा मीठा लग रहा है कच्चा ही तो चलो चलते हैं किचन में नाम। तो दोस्तों मैंने इसको फ्राई करने के लिए, देखिए पत्ता गोभी को प्याज और मिर्ची में तड़का लगा के मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया। अब ये फ्राई कर दिया है, 5 मिनट में इसको हम उतार लेंगे। उतारने के बाद इसमें नमक डालेंगे, अभी नमक डालेंगे तो ये पानी छोड़ने लगेगा, इस वजह से हम अभी इसमें नमक नहीं डालेंगे। और फिर उसके बाद ये मैदा है, इसको गूंज लेंगे और दिखा दो। और ये मैंने स्ट्रीम करने के लिए ले आया, इसी में मोमोज बनाएंगे हम। ठीक से दिखाओ, देखिए ठीक से खड़ा करो, ऐसे नहीं ऐसे, हाँ ऐसे देखिए। इसमें ना हल्का सा ऑयल लगा के ऐसे इसमें ऑयली लगा के ताकि ये चिपके ना मोमोज इसमें। तो यहाँ पे ऐसे 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 रख देंगे, जहाँ तक आएगा वहाँ तक रख देंगे। उसके बाद इसी कढ़ाई में, क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं, इसी कढ़ाई में नीचे पानी डालेंगे, इसमें मोमोज लगाएंगे, इसको ऐसे रख देंगे। उसके बाद ऊपर से ये छोटी सी थाली है मेरे पास में जो कि इस कढ़ाई पर फिटिंग आ जाती है ये, तो इसको मैं इससे ढक दूंगी ऐसे। उसके बाद ये स्टीम हो जाएगा, फिर मोमोज रेडी हो जाएगा। और मोमोज की चटनी ले आई हूँ, आपको चटनी दिखाती हूँ, एक मिनट रुको। गई है चटनी लाने के लिए, तो लेके आ गई। मुझे ठंड बहुत ज़्यादा ही लग रही है, लेके आ गई है चटनी ये देखिए हरी चटनी है इधर और लाल है, और इससे हम लोग खाएंगे। ये चटनी ले आई हूँ, इतना सारा चटनी है फ्रेंड देखिएगा। और इसमें निकालेंगे ताकि ये हम मार्केट के फीलिंग के साथ में हम लोग मोमोज खाएंगे। तो दोस्तों बन जाए, फिर हम लोग चल रहे हैं खाने। फिर फाइनल में आपको दिखाती हूँ बनने के बाद। ओके तब तक के लिए मैं कर लेती हूँ वीडियो बना ला।